नेहरू गांधी परिवार में सियासी घमासान मचा हुआ है। अपने भाई राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभाल रही प्रियंका वाड्रा ने एक बार फिर अपने चचेरे भाई वरुण गांधी पर हमला बोला है, और हमला भी इतना तीखा कि परिवार के साथ विश्वासघात करने वाला बता दिया। 1980 के दशक की शुरुआत, सास बहू का सबसे बड़ा झगड़ा। 1980 का दशक, जेठ और बहू में कड़वाहट भरी चुनावी जंग। 1990 का दशक, मेनका बीजेपी में, सोनिया कांग्रेस की अध्यक्ष। 21वीं सदी का पहला दशक, राहुल कांग्रेस में, वरुण बीजेपी से सांसद। इक्कीसवीं सदी का दूसरा दशक, भाई बहन में तीखी सियासी लड़ाई। वक्त के आईने में रिश्तों की खटास आज भी साफ साफ देखी जा सकती है। नहीं तो 34 साल का वक्त इतना कम भी नहीं होता कि खून के रिश्ते में आई कड़वाहट धुल ना जाए। लेकिन नेहरू गांधी परिवार के बीच की खाई आज भी इतनी गहरी है कि दिलो दिमाग में छाया विरोध जुबान पर लहराने लगता है। आजाद हिंदुस्तान की राजनीति ज्यादा समय तक जिस परिवार की उंगली पर नाचती रही, उस परिवार में महाभारत मचा है। सोनिया गांधी की बेटी और राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका ने वरुण गांधी की बीजेपी वाली राजनीति पर सवाल उठाया, और सवाल उठाया तो उसमें अपने पिता की शहादत को भी शामिल कर लिया। My father died for the unity of this country. I cannot disrespect that for anybody, even if it were my own child. पहले चार दीवारी के भीतर और फिर खुलकर मैदान में प्रियंका गांधी ने अपनी तोप का मुंह वरुण गांधी की ओर मोड़ दिया है। ये सियासत की महाभारत है, पर है तो महाभारत ही। यहाँ भी रिश्ते आमने सामने टकराने को मजबूर हो जाते हैं, फिर चाहे वो गांधी परिवार ही क्यों ना हो। कुर्बानी की कीमत चुनाव के बाजार में अक्सर लगाई जाती है। 30 साल पहले इंदिरा गांधी की शोक सभा पूरे देश पर ऐसी छाई कि लोकसभा राजीव गांधी के नाम हो गई। लेकिन वक्त के साथ माहौल बदला, लोगों का मिजाज बदला, राजनीति के समीकरण बदले, लेकिन नहीं बदली तो नेहरू गांधी परिवार के संबंधों में आई तलखी। वो तलखी सामने आई जब सुल्तानपुर में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अपने भाई वरुण पर प्रियंका ने हमला बोला। सर, आपको ये गलतफहमी हो रही है कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव। वो हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं। हम सब के इंसान और मेरे परिवार के दूसरे लोग हैं, इस देश की एकता के लिए अपना खून बहाया। बेटे पर उंगली उठी तो मां तिलमिला उठी। मेनका गांधी ने वरुण के पक्ष में मोर्चा संभाला, लेकिन वरुण ने बगैर नाम लिए इशारों में प्रियंका को जवाब दिया। देखिए, बहुत लोग जब डर जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। मैं इसके बारे में और कमेंट करना ही नहीं चाहती हूँ। ये विचारधारा शायद उनको अपने पति वाड्रा के बारे में पूछना चाहिए कि उनके क्या विचारधारा है, और वरुण और बाकी बीजेपी की क्या विचारधारा है, तब पता फर्क नजर आएगा। मैंने इन 10 वर्षों की राजनीति में कभी भी लक्ष्मण रेखा शालीनता की नहीं तोड़ी है। मेरा प्रयास ये रहा है कि चाहे वो अपने परिवार के लोग हों, चाहे वो दूसरे दल के वरिष्ठ नेता क्यों ना हो, हम लोग एक शालीनता की लक्ष्मण रेखा पार ना कभी करें। इन दिनों कुछ बातें सुनने में आई हैं। मैं केवल इतना ये कहना चाहता हूं कि हमारे शराफत को, हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे।
जीत की हैट्रिक लगाने की चाहत लिए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी ने अपनी सीट बदली और अमेठी के बगल में सुल्तानपुर पहुंच गए। अगल बगल की सीट से भाइयों ने मोर्चा संभाला तो देश के सबसे बड़े सियासी परिवार की राजनीतिक लड़ाई भी सड़कों पर उतर आई है। बस देखते जाइए कि 12 मई को जब यहाँ वोट पड़ेंगे तब तक एक दूसरे पर इनके कितने आरोप प्रत्यारोप पड़ते हैं। पीलीभीत में दीपक शर्मा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, अमेठी आज तक। अमेठी और सुल्तानपुर में तकरीबन 250 किलोमीटर का फासला है। भाई का पर्चा भरती हैं प्रियंका गांधी, हम बात कर रहे हैं प्रियंका वाड्रा, पर्चा भरती हैं राहुल का, उसके बाद सुल्तानपुर पहुंचती हैं और 250 किलोमीटर के अंदर न जाने क्या होता है कि दूसरे भाई के ऊपर बयान तल्ख हो जाते हैं। पहले तो प्रियंका ने कहा था कि वरुण रास्ता भटक गए, ये 250 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद का बयान, और अब परिवार से विश्वासघात करने वाला बयान दे दिया। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? क्या यह मामूली सा चुनावी बयान है या इसके पीछे राजनीति का कोई बड़ा खेल छुपा हुआ है? इनकी धमनियों में एक ही खून बहता है, इनके संस्कार में एक ही खानदान का बोझ है, एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं, एक ही दरिया की अलग अलग धाराएं, एक ही नेहरू गांधी परिवार की अलग अलग विरासत है। लेकिन ये विरासत 16वीं लोकसभा में महाभारत में बदलती दिख रही है। देवरानी ने जेठानी पर हमला बोला तो बहन ने भाई पर। कांग्रेस की अध्यक्षा जो विदेश से आई थी और जिसको देश ने इतना प्यार दिया और गले से लगा करके इतनी छोटी, आज दुनिया में छठे नंबर पर सबसे अमीर औरत है। मैं पूछती हूँ, दहेज में तो एक पैसा नहीं लाई थी? I'm saying this because he has expressed his views in the last election about certain things, and I don't agree with them. I strongly disagree with those views, and I feel that it's a betrayal of my family. My father died for the unity of this country. I cannot disrespect that for anybody, even if it were my own child. अब ऐसे तीखे बयान यूं ही नहीं आते, इनके पीछे राजनीतिक इरादे भी होते हैं। तो क्या वरुण पर प्रियंका के लगातार हमले के पीछे भी कोई राजनीतिक चाल है? जानकारों के मुताबिक इस समय चुनावी फिजा में मोदी मोदी खुला हुआ है। हो सकता है प्रियंका ने वरुण पर हमला बोलकर इस लड़ाई के केंद्र में नेहरू गांधी परिवार को लाने की कोशिश की हो ताकि मोदी की हवा कम हो सके। वैसे खास बात यह है कि प्रियंका का बयान उस वक्त आया है जब वरुण गांधी ने भी नमो नमो का जाप शुरू किया है। मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरे पिताजी के बारे में ये कहते हैं कि यदि संजय जी रहते तो ये काम होता, वो काम होता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले समय में देश को एक मजबूत नेता की आवश्यकता है तो उस नेता का नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी है। अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर सीट से नेहरू गांधी परिवार का बहुत पुराना नाता है। ये भी इत्तेफाक है कि इस बार इन तीनों सीटों पर इसी परिवार के एक एक दावेदार जमे हुए हैं। रायबरेली सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लड़ रही हैं, तो अमेठी सीट पर राहुल गांधी और सुल्तानपुर सीट पर बीजेपी के महासचिव वरुण गांधी। पिछली बार सुल्तानपुर सीट से कांग्रेस के संजय सिंह जीते थे, लेकिन तब संजय सिंह का प्रचार करने न सोनिया गई न राहुल प्रियंका। दूसरी तरफ राहुल गांधी के पर्चा दाखिला में भी संजय सिंह पहले कभी नहीं जाते थे। पार्टी एक थी लेकिन रिश्तों में अलग अलग किस्म की खटास रही। लेकिन इस बार सुल्तानपुर में वरुण ने चुनाव लड़कर इनके रिश्ते को बदल दिया है। अमेठी में कांग्रेस के गांधी परिवार को जरूरत थी अमेठी के राज परिवार की, और सुल्तानपुर में अमेठी के राज परिवार को जरूरत थी कांग्रेस के गांधी परिवार की। शायद इसीलिए मजबूरी के ही चलते दोनों ने इस बार हाथ भी मिलाया और दिल भी। ऐसे में वरुण गांधी जब सुल्तानपुर से थे तो गांधी परिवार के रिश्तों का तार तार होना लाजमी ही था। कुछ दिनों पहले जब वरुण ने अमेठी में राहुल के विकास कार्यों की सराहना की थी तो लगा कि नेहरू गांधी परिवार के रिश्तों पर चढ़ी बर्फ पिघलेगी। सियासी गर्मी में वो बर्फ पिघली तो जरूर, लेकिन रिश्ते को भी पिघला गई। जैसे कि हम लोग ये सोचें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जैसे राहुल जी ने अमेठी में सफलतापूर्वक जो उन्होंने कहा
वो शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं अमेठी गई हूँ और वहाँ सचमुच में जिस लायक काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और मैंने वरुण को भी बोला है कि जब तक कोई चीज़ अपने आप ना देखे तब तक बोले ना। महाभारत में भाई भाई से लड़े, यहाँ पर एक बहन ने भाई के खिलाफ मोर्चा संभाला। राजनीति का ये ढंग चुनाव बीतते न जाने कितने रंग दिखाएगा, बस देखते जाइए कि एक अदद सीट के लिए कैसे रिश्तों पर आरोपों के तीर चलते हैं और कैसे पुरानी यादों की मिठास इन हमलों में छलनी होती है। कुमार विक्रांत सिंह, अमेठी, आज तक। प्रियंका चुनाव नहीं लड़ती, प्रियंका रोज रोज की राजनीति से दो चार नहीं होती, लेकिन प्रियंका का हर कदम राजनीति में भूचाल लाता रहता है। उनका एक बयान किसी के राजनीतिक करियर को मिटा देता है तो किसी की बोलती बंद कर देता है। राजनीति की आपाधापी से खुद को प्रियंका ने भले ही दूर रखा है, लेकिन उनकी चहलकदमी भी डंका बजाने वाली लगती है। इसीलिए तो कांग्रेस के भीतर भी प्रियंका के नाम पर खलबली मच जाती है। अभी तो चुनावी फिजा में मोदी की तूती बोल रही है, लेकिन मोदी ने जब कांग्रेस को बुढ़िया बताया था तब प्रियंका ने एक लाइन में उनकी बोलती बंद कर दी थी। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की उम्र हो गई 125 साल, 125 ईयर ओल्ड है ये कांग्रेस। ये 125 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है? ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है? बुढ़िया हो चुकी है, जिसने ओछा बयान दिया। मैं बुढ़िया लगती हूँ। तो क्या प्रियंका खुद को कांग्रेस का पर्यायवाची मानती है? ये तो पता नहीं, लेकिन 1999 में जब उनकी मां सोनिया गांधी ने अमेठी और बेल्लारी से चुनाव लड़ा तो प्रचार का जिम्मा प्रियंका ने संभाला, वहां अपना राजनीतिक हुनर दिखाया। तो रायबरेली में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरुण नेहरू की उम्मीदों पर बस अपने एक बयान से पानी फेर दिया था प्रियंका ने। प्रियंका ने रायबरेली के लोगों से कहा था कि जिस शख्स ने उनके पिता राजीव गांधी की पीठ में छुरा घोंपा, आप उसे कैसे जिताएंगे। राजनीति की कमोबेश वही भाषा 15 साल बाद फिर बोली जा रही है, और हाँ, प्रियंका अब भी राजनीति से उतनी ही दूरी पर खड़ी है। आज तक ब्यूरो।